ताला कदम के अंदर जान कुर्बान करता। क्या मेरे छोटे छोटे शहजादे तुम्हारा बाप तो नहीं है, मिसाल कर चुका तुम ही जाओ। सरकार ना कि अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ फिर तुम्हें बुला लेंगे। फिर इस्लाम होते बुला लेगा, इस्लाम अपनी पाव रखता है। अब क्या हजूर आप वापस गए ना, अम्मी जान का दिल टूट जाएगा। तो पहले रो रहे थे, दोबारा गए तो उनका दिल टूट जाएगा। इसलिए हम इजाजत दें, हम आपके कदमों से अपनी जानों को कुर्बान कर दें। तो सरकार मैं महाश हजमाश तुम्हें इजाजत है, आ जाओ लश्कर में शामिल हो जाओ। मैं बस उतना, तुम छोटे हो, तुम घर चले जाओ, अपनी अम्मी जान की खिदमत करो, तुम्हें जहाद का स्वाद मिल जाएगा। अगर स्वाद लेना मकसूद होता तो वो घर चला जाता, लेकिन वो चाहते थे कि अपनी जान सरकार को तुम ऊपर कुर्बान कर देना। फरमाया कि तुम छोटे हो, तुम चले जाओ, अपनी मां की खिदमत करो। मैं महबूब कीबरिया को ऐलान करता, तुम्हें जहाद का स्वाद मिल जाए। अब किया हजूर, मेरे बड़े भाई को ज्यादा दे दी है ना, तो मैं इससे ज्यादा ताकत वाले कुश्ती करा के देख लो, कुश्ती करा के देख लो। सरकार मुस्कराए, फरमाया कुश्ती करो। अब दोनों भाई कुश्ती करने लगे हैं, तो सरकार ने फरमाया कि चार बंदे इनकी निगरानी करो कुश्ती की। कुश्ती करने वाले सबसे छोटे हैं, निगरानी करने वाले सबसे बड़े हैं। निगरानी कौन कर रहा है? सही नफरी के कबर सही नफर के आज हसली शेर खुदा सैना मीर हमजा अलैहिम सलाम। जब कुश्ती शुरू हुई तो छोटे भाई नजमगर ने बड़े भाई महाज के कान में कहा, भाई तुम्हें तो पहले ही जाति मिल गई है सरकार से, तो अगर तुम मुझसे शिकस्त खा गए तो मैं भी जहाज में जाऊं, दोनों के पास आगे दोनों भाई इकट्ठे ना जन्नत में चले गए। ये है अकीदा जज्बा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उन माओं की अजमत पर जिन्होंने अकीदा दूर बुलाया है। आजकल की माँ अकीदा तो नहीं, बेटे तुम्हारी उम्र फिल्में ड्रामे देखने की है, ये 12-14 साल की उम्र थोड़ी है जहाज पर जाने की। आजकल की माएं बच्चों को सन्नत का टिकट लेकर देती हैं, वो माएं थी जो माँ बच्चों को सन्नत का टिकट लेकर देती थी। जब बड़ा भाई नीचे गिर गया, छोटा ऊपर बैठ गया, सरकार खुश हो गए, मैं तुम्हें नहीं जाता था। क्यों उनका उन्होंने यही चीज सीखी थी कि खुद को वहां भी क्या हो गए। मैं तकरीबन 58 ईयर्स का हूं, 58 वर्ष मेरी उम्र है। तो इनका चेहरा देखने में इनका 15-20 साल आया और मेरा चेहरा 6 साल मिला रहा हूं। क्योंकि अब देखें लश्कर तैयार हो गया, सरकार ने भी अपना असला भी इकट्ठा करेंगे। असला इकट्ठा किया तो उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, सवार कितने हैं? 312। कितने थे लश्कर? 312। 313 में जो सही उस्माने गनी थे रजी अल्लाह अन्हु, उनको सरकार ने मदीना में छोड़ दिया। उनकी दर्जा में उतना सही था रुकैया सलाम अलैहा सरकार की बेटी माया के, आसमान मेरी बेटी की और अपनी बीवी की तीमारदारी करो,
तुम्हें बद्री सहाबी का स्वाद भी मिलेगा, माले नीमत भी सब मिलेगा। उनको वहां छोड़ा 312, तो घोड़े कितने हैं? सिर्फ दो। और तलवारें कितनी हैं? सिर्फ 8। और 6 जरे कहते नहीं, फार गलती है। असल बात यह है कि जो जिन्हें हैं ना वो जज्बा ईमानी से लगी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मुकद्दस में, कान में नफिया तुम कली लतन गालबत फियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तारीफ उठा के देखो ना, बहुत ज्यादा छोटी जमातें जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालब आई हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते ना, आप 1965 की मिसाल दे देता हूं। 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने बगैर इतला दिए 50,000 फौज के साथ लाहौर के बारे में हमला किया। टैंक भी थी, तोपखाना भी था, बत्तेबंद गाड़ियां भी थी। और सुबह 7 सितंबर को 600 टैंकों के साथ शालकोट बार पर हमला कर दिया। इन्हें पता था इतनी कसीर फौज के साथ हम चंद घंटों में लाहौर और शालकोट को सफा कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, 17 दिन ये जंग जारी रही है। 17 दिनों में भारत के 11,500 फौजी मारे गए हैं। 11,500 फौजी वास्ते जन्म होंगे। 117 जहाज भी तबाह होने हैं और 1600 मुरब्बा मील का इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आया है। यात्रा सला और सालिशमान छोड़ के भागे देर बाद में अमेरिका का बेड़ा घर को वजह से करा के वो इलाका वापस बुलाया। तो ये जिम्मे जो है वो जगह मानी पर लगी जाती है। 8 तलवारें हैं, 6 घोड़े हैं, 2 घोड़े हैं। और तलवारें भी जानदार हो गए। यहां भी अपनी जिंदगी ने कमाल किया, कमाल नक्शा खेत है। अब देखें उधर एक 1,000 का लश्कर है जिनके पास राशन भी पड़ा है, शराब भी है, खाने बजाने वाली औरतें जो उनको जोश बनाती है मजा लगने वालों को। उसके अलावा उनके पास तलवारें हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, कमेजे हैं, बाले हैं, जिले हैं, हर चीज गाले उनके पास है। इधर क्या है, 312 अपराध हैं वो भी घोड़े के साथ। इसके गल में कमीज नहीं है, किसी के पाँव में जीवदा नहीं है। और सारी सारी आधी आधी खजूर मिलती है, 2 साहबा को खजूर मिलती है। तो उसके साथ टक्कर लेने जा रहे हैं जो 3 गुना से मिल जाता है। यहां भी बंदे ने बड़ा कमाल किया है। अल्लाह तआला करोड़ हराम के ग्रस्त कबर के ऊपर लिखता है कि थे जिनके पास 2 घोड़े 6 दिन 8 शमशीरें, पलट में आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। ये लश्कर सारी दुनिया से अल्लाह का कबीरा। जब अगर पहुंचे ना मैदान में, बदर के मैदान में, तो देखा कुफार जो है वो पहले ही पानी के ऊपर भी कब्जा कर चुके हैं और जो पुख्ता जगह है उसके ऊपर भी कब्जा है। तो जो सरकार के गुलामों की जगह आई वो रेतली थी और गर्मियों के रोजे थे, रेत में पहुंच दस्ते थे, रेत तपती थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने देखा ना अपने महबूब के गुलामों का जज्बा बड़ा पकीजा है, तो नामा पारा सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 11 में यही थी, अल्लाह ताला रहमत की बारिश नाजिल कर दी। तब बारिश हुई तो देर पुख्ता हो गई, ठंडी हो गई। साहबा ने मशीदे बांध लिए, जानवर को पानी पिलाया, गुसल किया, वजू किया, अपने लिए पानी दिया,
जो अफ्तारी को इस्तेमाल होना था, और उधर जो पक्की जमीन होती है बारिश होकर दलदल हो गया, कुछ साल गिरने लगे फिसलने लगे। इधर से नशा से माल गए थे हजूर, अगर आप इजाजत दी तो हम इस टीले के ऊपर आप छप्पर ना बना दें, एक अरीश ना बना दें जिसमें आप आराम फरमाएं, एक अरीश बना दिया गया, एक झोंपड़ा बना दिया गया। और मैं अगर सरकार की यहां पहला काम देगा अल्लाह के महबूब का हसीदे शेर होगा वहां पर हम से कोई भी आगे नहीं हुआ, सिर हसदे कलबर जिला तारा मंदिर मैं बन दूंगा सरकार का तारा। और आप अरीश में आपके साथ गए हैं जो वो टीबे के ऊपर था, खतरा का किस्मत का हमला किसी को कर देखेंगे सेना स्पीकर वगैरह बोले काम के रात में ज्यादा है जिनकी जिंदगी का एक निशम है अन नजर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह मैं यही चाहता हूं कि आपका चेहरा हो तो मेरी आंखें आप दीवार पर आते हुए मैं दुआ करता हूं। उधर चले गए और नीचे साथ के नमाज ने फरमाया कि अब आप लोग साथ माल पर सो गए मैं तारा देता हूं। नीचे मुजाहिदों का साथ माल तारा दे रहे हैं और स्पीकर पर सरकार की बात करके मौजूद है। सही मुस्लिम शरीफ के हदीस दूसरी जीव सफा 93 विकेट पर फरमाते हैं कि मेरे महबूब अल्लाह की बारगाह में सही पर रोज हो गए बयान कर रहे हैं। आप इतना रोए आपकी दाढ़ी मारे पास में सितारे हो गई और नीचे गेट के ऊपर आपसे गिर रहे हैं। माँ के आज बदर की जमीन भी बड़ी किस्मत वाली है जिसके ऊपर महबूब की दिया आपके मुकदे साथ गुजरे हैं। विकेट पर अब कह रहे हैं आयासला बस करें बड़ा हो गया। सरकार ने दिल्ला वाले हाथ उठाए और जो दुआ मांगी ना अल्लाह इन तहला का हाज असाबलाम मुसीबत तेरे बंदे शहीद हो गए तो क्यामत तक कहीं बातें करने वाला कोई नहीं होगा। दातों में मेरे से लाल अगर आज मेरा स्नेह तो मेरा फूके है वो मेरा हैदर करार मेरा बिलाले हर चीज अगर आज ये शहीद हो गए ज्यादा क्यामत तक तेरे बातें करने वाला कोई नहीं होगा। अगर अगर यार मैं इनको यहां से महल कर डाला क्या मतलब नहीं डर कोई तुझे रोजने वाला। सरकार हदीस से बाद घुमाया अभी तक मुबारक हो अल्लाह की मदद आ गई है दुआ कबूल हो गई है। और अभी आज ये काफ़ी की जमात जो है ये शिकस्त खा के भागेगी ये मुंह फेर के भागेगी यहां से। और साथ से अल्लाह ताला ने 124 नंबर आयत भेज दी महबूब तेरे गुलामों का जज्बा इतना भीम है मैं 3000 फिश से उठा रहा हूं मन बंद के लिए। तेरे 125 नंबर आयत भेजगी महबूब मैं 5000 फिश से भेज रहे उनके मदद के लिए। ऐसे तो नहीं कलंदे लाही बोला अलामा डॉक्टर मोहम्मद बार अहमदा की कलमत में आ गया। अब मानते हैं कि सजाए बदर पैदा करे फरिश्ते इंसरत को उतर सकते हैं बदलों।